रांची में इस वक्त पूरी तरह से सियासत गर्म है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा में अलग कक्ष नमाज के लिए दिया गया, अलग कमरा दिया गया, उस पर वहां पर हंगामा मचा है। रांची सांसद संजय सेठ के नेतृत्व में, साथ ही साथ प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं, कूच के लिए निकल चुके हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। तो झारखंड में नमाज पर देखिए कितना बड़ा बवाल, यहाँ पर हंगामा मचा है, और इसके पीछे की जो वजह है, विधानसभा में एक नमाज के लिए कमरे का प्रावधान किया जाना, इस बात को लेकर तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो मार्च निकाल रहे हैं, कूच कर रहे हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, साथ ही साथ भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही पुख्ता की गई है। तो बीजेपी विधायक कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, नमाज के लिए कमरा क्यों दिया, अगर दिया तो हनुमान चालीसा के लिए भी दो या फिर इस फैसले को वापस लो, यही है इनकी मांग। और इसी मांग को लेकर दरअसल इस मांग को राजनीतिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो फैसला विधानसभा में एक नमाज के लिए अलग कमरा देने की बात हो रही थी, जिस दिन से फैसला लिया गया उसी दिन से हंगामा मचा हुआ है। रांची सांसद संजय सेठ के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता विधानसभा घेराव करने के लिए कूच कर गए हैं, और राकेश कुमार के पास चलते हैं अपने सहयोगी। राकेश, क्या जानकारी मिल रही है? पूरी तरह से कहा जा सकता है कि पुलिस की छावनी में तब्दील कर दी गई है, और यहीं से ये जो मार्ग होता है ये विधानसभा की ओर जाता है, और इसके ठीक बगल से धरना स्थल निर्धारित किया गया है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को दिखाऊं। ये आप देख सकते हैं कि तमाम जो जवान हैं वे अब यहाँ पे बैरिकेटिंग करके खड़े हुए हैं, और कोशिश की जा रही है कि इसी रास्ते से जो बीजेपी के तमाम लोग हैं यहाँ पहुँचने वाले हैं, विधानसभा का घेराव करने की बात कही जा रही है। लेकिन उनको एक डायवर्सन दिया गया है, एक दूसरे मार्ग से ले जाने की तैयारी की गई है, और वहां से उन्हें जाने देने तक रोका नहीं जाएगा। लेकिन विधानसभा की ओर जैसे ही कूच करेंगे वैसे ही हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको रोकने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये वाटर कैनन है, वाटर कैनन को लगाया गया है कि अगर जबरदस्ती जाने की तैयारी की गई तो सबसे पहले उनको पानी की बौछार से रोकने की कोशिश की जाएगी, भीड़ को तितर बितर करने की भी कोशिश की जा सकती है। और इसके साथ साथ वज्र वाहन लगाया गया है यहाँ पे, इससे आंसू गैस छोड़े जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी भी तैनाती कर दी गई है, यानी कि अगर भीड़ उग्र होगी तो हो सकता है कि आंसू गैस भी छोड़ने की नौबत आ सकती है। और जो कुछ जानकारी है प्रशासन के लोगों की तरफ से, जो तैयारी है कि इसके आगे, इस जो बैरिकेडिंग है इसके आगे उन्हें नहीं। थोड़ी देर के बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, विधानसभा घेराव करने से, विरोध प्रदर्शन करने से, इतना हंगामा करने से क्या कुछ असर पड़ा? लग रहा है कि सरकार झुकेगी, आपकी बात मानेगी, या फिर सरकार ने जो फैसला ले लिया है उसी पर वो टिकी रहेगी? देखिए गौरी जी, अभी मैं भी जुलूस के साथ हूँ, हम लोग एचईसी सेक्टर और विधानसभा के बीच में है, हजारों हजार का हुजूम है, और जब सरकार और विधानसभा अध्यक्ष प्रतुल जी सुन पा रहे हैं आप? लगता है प्रतुल जी से संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि झारखंड में इस वक्त रांची में देखिए बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और सांसद के नेतृत्व में कूच करने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वीडियो हम आप तक पहुँचा भी रहे थे, और सीधी सी मांग है इनकी कि जब तक नमाज के कमरे जो प्रोवाइड कराए गए हैं, जो दिए गए हैं, इस फैसले को जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका इसी तरह से विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। साथ ही साथ एक खबर और भी आ रही थी कि रघुवर दास, पूर्व सीएम जो झारखंड के हैं, रघुवर दास इस मसले को लेकर अनशन पर भी बैठेंगे।